वहाँ पे और हमारे लिए। अच्छा लद्दाख उदाख लेके जा रखे हाँ। इस बाइक में आगे दिक्कत ये है, आर्यन की बाइक अभी चेक करा था हमने, इंजन ऑयल बिल्कुल भी नहीं है। पिछली बार जो है ना मेरी यहीं पे बाइक खराब हुई थी। आपको यूट्यूब चैनल किस नाम से? ये भाई द जंगड़ा राइडर। तो भाई अभी एक बुलारो गाड़ी थी उसमें से एक बैग गिर गया है। एक्सीलेटर तो मैंने भी दे रखा लेकिन अच्छी से ऊपर जा ही नहीं रही। ऋषिकेश वाला रास्ता मतलब पूरी तरीके से। राम राम जी सारे ने। तो भाई आज है 1 जनवरी 2023। और पांचों केदार के दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छे से हुआ है, अच्छे से भोग लगाया है, सभी मंत्र पूरे होंगे। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। बस जी ये साथ में है सारे। ये जो मंदिर आप देख रहे हो ना, ये इस मंदिर में जो है सारी मूर्तियां रखी हुई हैं। पंच केदार, ये ओमकारेश्वर का मंदिर है। तो भाई मैं तो गया नहीं, ये सारे होके आए हैं अभी अंदर। बाकी अभी टाइम में पूरे 10 बज चुके हैं। चलो भाई गरम गरम थोड़ी सी खाने की मिल रही है, वो खा लेते हैं। ये बोला कितने का? बेइज्जती करा रहे हैं, पकौड़े कैसे खा रहे बैठे हैं? ये देखो कैसे बैठे हैं, अरकित बैठे हैं। मुझे है? सिर्फ पकौड़े पहले। और ये देखो चाय और पकौड़े ही बैठूं। अभी चाय और पकौड़े चल रहे हैं। हाँ भाई कपिल भाई। हाँ जी मजा आ रहा है फिर फुल है फुल सुबह सुबह आता है शाम को नहीं। और वैसे फुल एंजॉय। कितने बजे के उठे हुए? 7 बजे के नहीं, 5 बजे का। 5 बजे से 5 बजे मैं 5 बजे उठ गया था। टाइम हो गया अभी 10:15 है। 10:30 हो गए अभी। फिर ना आया 10:15 फिर पकौड़े। तो अभी 11 भी बजेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं रहती। उसमें थोड़ा तेल कम होगा हो गया, हमें कोई जल्दी नहीं होती है। क्या बात है, आराम से पहले भोजन करो उसके बाद चलेंगे आराम से। ठीक है भाई। पकौड़े एक नंबर के बना रखे हैं। किधर है? और मंगा लिया भाई। मैं तो तुम ना बैठा हूँ ऋषिकेश के ऊपर। झूठे कब झूठ बोला यार? कम झूठ क्या, तुंगनाथ के सब पास में बैठा हूँ। नीचे है उसका 50 किलोमीटर। आया तो है। कब का प्रोग्राम बताया है तुमने? ये खाली पकोड़े पे अगला प्रोग्राम बढ़ा ले भाई इसका। तो 21 दिन पहले पकोड़े वगैरह खाते हैं। 7 तारीख एक और ही है तो आज बताओ मैंने। चलते हैं आगे ऋषिकेश के लिए। आज हमारा स्टॉप होगा ऋषिकेश और सेम रोड ट्रेन वाला है रुद्रप्रयाग। यार बाबा फोन पे बता दिया, जान रहे हो तू समझदार है। रुद्रप्रयाग वाला सेम रोड ट्रेन वाला डायरेक्ट मिलते हैं ऋषिकेश में डायरेक्ट। और क्या मैं डर पड़े हैं पंजाब में डायरेक्ट ऋषिकेश मिलेंगे। चलो जी हम भी पकोड़े खा रहे हैं, आप भी खाओ। इस बाइक में आगे दिक्कत ये है, आर्यन की बाइक एक्सपल्स, तो इसमें दिक्कत आ गई है, धुआं दे रही है। इसमें अभी चेक करा था हमने, इंजन ऑयल बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी 1 किलोमीटर नीचे जाने के बाद ऑयल डलवाएंगे इसमें। दिल्ली तक काम चलाना है, दिल्ली तक पहुंचानी है कैसे भी, तो ऑयल डलवा के ही इसमें काम चलेगा। और अब सब रेडी हो चुके हैं, यहाँ से निकलते हैं। तो 1 किलोमीटर के बाद ही कोई मैकेनिक मिलेगा हमें बता रहे हैं, तो वहाँ पे रुकते हैं। अभी आपको ये जो सामने बोर्ड देख रहे हो ये स्क्रीन पे आ रहा होगा, अभी ये यहाँ का बताया गया है कि ओमकारेश्वर ये मंदिर है, कब बना था क्या इसकी कहानी है, वो स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो भाई अभी जो है इसका इंजन ऑयल चेक करा था, तो बिल्कुल भी मतलब ये लगा लो कि 300 ml के आसपास है। तो अभी नया इंजन ऑयल लिया है, वो डाल रहे हैं, इसको टॉप अप करके दिल्ली तक पहुँचाएंगे जैसे भी करके। तो ये अभी टॉप अप हो रहा है। चलो मिलते हैं आपको रास्ते में। तो ये पीछे जी हाँ कुंद डैम, कुंद नाम की जगह है ये, और ये इधर जो है केदारनाथ के लिए रास्ता है। और पिछली बार जो है ना मेरी यहीं पे बाइक ख़राब हुई थी जब मैं केदारनाथ से आ रहा था। तो ऋषिकेश 172 किलोमीटर है जी यहाँ से। धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे भी, रास्ता ठीक ठाक है। यहीं कहीं जो है ना बाइक मैंने लगाई थी, थोड़ी सी दूर फिर धक्का मारा था हमने। तो ये 10-15 किलोमीटर तो बीच में एक जगह आती है, वहाँ पे मैकेनिक को दिखाई थी, और उसके बाद तो सीधा 60 किलोमीटर है। तो हाँ तुम नाथ से थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा चलो बढ़िया भाई, ठीक है आराम से जाना भाई, हैप्पी जर्नी। केदारनाथ जाए पाछे देख ले, मारला दर्शन तेरे काम आने लग गया। बहुत सीख क्या है ना। हाँ
आपका यूट्यूब चैनल किस नाम से है? ये भाई द जांगड़ा राइडर, जांगड़ा राइडर, जांगड़ा राइडर। हाँ भाई, भाई बोलो कर भाई। ठीक है भाई, और कितो कासे हो? गाजियाबाद। गाजियाबाद अच्छा, कहाँ से हो तुम? मैं तो दिल्ली से हूँ भाई। हाँ भाई, मिलेंगे बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सेम है। मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ, तुंगनाथ से आ रहे हैं हम। तुंगनाथ थोड़ी बहुत है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है। वो पिंग लगी होगी अब तो। भाई साल का पहला दिन है और सुबह सुबह सब्सक्राइबर भाई मिल गए अपने फैमिली के मेंबर। बाकी एक दो कह रहे हैं भाई सब्सक्राइब करेंगे हम चैनल। और चलो जी, अच्छी बात है, बढ़िया है। तो भाई अभी एक बुलारो गाड़ी थी, उसमें से एक बैग गिर गया है। तो ये आर्यन अभी जा रहा हूँ, जो लाल बैग देख रहे हैं आप, तो उसको देने के लिए निकल गया। वो पूरा एक्सीलेटर दे दिया भाई ने, तो एक्सीलेटर तो मैंने भी दे रखा, लेकिन अस्सी से ऊपर जा ही नहीं रही। तो देखते भाई कितनी देर में दौड़ पाते हैं उनको। ये थी जो गाड़ी, तो बहुत ही अच्छा काम हुआ आर्यन के द्वारा। और अभी जो है रुद्रप्रयाग 8-10 किलोमीटर के आसपास रहता है, तो एक छोटा सा चाय ब्रेक लेंगे रुद्रप्रयाग में। तो भाई यहाँ पे रुके थे हम, आपका जो है रुद्रप्रयाग वाला जो बाईपास है उस रोड पे, ये एक छोटा सा ढाबा है, बहुत ही बढ़िया खाना था यहाँ। थाली वगैरह 80 रुपए की आपको यहाँ मिल जाएगी, बहुत ही बढ़िया था। और ये सर आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे रसायन पहाड़ी ढाबा। खाना एकदम टेस्ट था जैसे घर वाला होता ना, ऐसा आपको फील आएगा यहाँ पे। और 80 रुपए की थाली मैंने आपको बताई थी, बाकी ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ। चाउमिन वगैरह अगर कुछ भी चाहिए, आलू पराठा बढ़िया है, लोकेशन भी ज़बरदस्त है, बाहर बैठ के खाओ, ताकत भी है, किसी को आराम करना आराम करो। और अभी खबर मिली है कि ऋषिकेश वाला रास्ता मतलब पूरी तरीके से जाम हो चुका है, कई घंटे लगेंगे उसको खुलने में, और ये हो सकता है रात तक जाम रहे। अभी फ़िलहाल दो के करीब का टाइम हो रखा है। तो हम अभी श्रीनगर से लेफ्ट जाएंगे पौड़ी, और फिर लंच जोन से नजीबाबाद, फिर आपका ये मेरठ वगैरह जो रास्ता है ना। तो भाई ये है कलियासोड़ में जय माँ धारी देवी मंदिर। और ये जो मंदिर है ना, ये जो डैम देख रहे हो आप, नदी है, इसके बीचों बीच बनाया है ये। जब हम इस रास्ते से आ रहे थे तो यहाँ पे रुके भी थे। तो भाई ये है नीचे, तो जा रहा है ऋषिकेश की तरफ, हरिद्वार नीचे देहरादून, और ये पौड़ी कोटद्वार दिल्ली ये भी जाएगा लंच टाउन होते हुए। तो अभी वेट करते हैं दो मिनट, अभी पूछते हैं क्या प्रोग्राम है। क्या प्रोग्राम है ऋषिकेश लंच टाउन? फिर चाय पी ले फिर एक पौड़ी गढ़वाल, फिर उसके बाद कोटद्वार से सीधा अपना पर भी करना। हाँ, कोटद्वार के बाद लंच टाउन आओगा या पहले आओगा? कोटद्वार तो बाद में आएगा। हाँ पहले लंच टाउन आ जाएगा। हाँ 135 और 200-300 बराबर है बात। ओके जी, तो पौड़ी लंच जोन होते हुए अब हम जाएंगे दिल्ली। रास्ता जो है ना, ये एक नंबर का रास्ता है भाई साहब लंच जोन के, वहाँ तो बहुत ही बढ़िया रास्ता है, नज़ारे एक से एक है। लेकिन लंच जोन पहुँचते हमें शायद अंधेरा हो जाएगा, तो आपको दिखा नहीं पाएंगे, कुछ हो सकता है वह, हम लंच जोन में भी रुक सकते हैं, कुछ पता नहीं है अभी। तो अभी पौड़ी यहाँ से 28 किलोमीटर दिखा रहा था, 28-29। तो भाई जैसे अभी आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे मतलब ये पैदल चल रहे हैं बहुत सारे, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मतलब समझ में नहीं आया कि ये पैदल क्यों चल रहे हैं भाई। मतलब ये देखो इतनी ज़्यादा संख्या में, ये देखो बूढ़े भी है, जवान भी है, बच्चे भी है भाई। जैसे पौड़ी के लिए हमने ऊपर की तरफ लिया, तो एक दो गांव के बाद ये पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे बहुत सारे, ये पता नहीं भाई क्या है। पौड़ी 24 श्री राधा कृष्ण मंदिर गंगा दर्शन स्थल।
तो भाई एक छोटा सा टी ब्रेक लिया था पौड़ी में, अभी पौड़ी हम, और अभी प्लान कुछ ऐसे है, हम रुकेंगे गुमखल। गुमखल से एक सीधा रास्ता जाता है कोटद्वार। तो आज जो है पहाड़ों में रहेंगे और फिर कल निकल जाएंगे घर की तरफ। फिलहाल जो प्लान है यही है, बाकी देखो भाई क्या होता है गुमखल पहुँच के, क्योंकि गुमखल से जो है फिर 20-25 किलोमीटर उसके बाद प्लेन आ जाएगा। तो यहाँ रुके थे हम, पीछे का रास्ता भाई साहब एक नंबर का था, बढ़िया, मतलब दूसरा तीसरा चौथा, मतलब बढ़िया 40-50-60 ऐसे चल रहे थे हम। और अब जो है ठंड होने लगी है ठंड, और यहाँ से जो गुमखल है वो 72 किलोमीटर दिखा रहा था, 2 घंटे का रास्ता, 2 घंटे का मतलब हम 3 घंटे लेके चल रहे हैं। तो भाई एक बार फिर से जंगलों में आ चुके हैं, जंगल वाला रास्ता, और यहाँ भाई सब व्यू जबरदस्त आएगा लेफ्ट साइड में, ये देखो ये सारा जंगल का एरिया है आगे तक। ये क्या है जी, ये क्या है जी, मोंगूज मोंगूज